बजी घंटिया रे टंग 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 प्यार की कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार टंग 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 फिंगर पोर फिंगर फिंगर पोर फिंगर पोर फिंगर फिंगर पोर फिंगर पोर फिंगर पोर फिंगर फिंगर पोर फिंगर पोर फिंगर पोर फिंगर बंपर, तुम फिर आ गए? आप लोग जा सकते हैं, ये हमें तंग करते रहेंगे। तुम फिर क्यों आ गए? Can you just talk to the hand, please? मैं कोई दशहरा नहीं हूँ जो साल में एक ही बार आऊंगी। आ गई के मौत की बात कर रहे हैं आज ना। कपू शर्मा देश की एक बेटी देश की दूसरी बेटी से बातचीत करेगी, और जब दो बहनें बातें करेंगी ना तो आप बीच में विघ्न न डालें प्लीज। वो है देश की बेटी, तू तो खुद अपने आप में महादीप है। तो क्या मतलब, कहां वो प्रियंका चोपड़ा, कहां तू मदन चोपड़ा, बहने कैसे हुई तुम? तो ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा में मदन चोपड़ा, तो आप बीच में प्रेम चोपड़ा क्यों बन रहे? यही ना, इनकी आपकी ये नॉन सीरियस बातों की वजह से ना हमारी शो की टीआरपी 4 तक पहुंच गई है। ये तो अच्छी बात होगी ना? तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात हुई ना, सोनी साहब के बारे में सोची, उन्हें रोज पार्टियां फेंकनी पड़ती हैं। फिर रोज पार्टियां होती हैं तो अर्चना जी को रोज जाके फिर पीना पड़ता है वहां पे। फिर रोज पी लेती हैं तो घर जाके अपने पति को घर से निकाल देती है। 4 की टीआरपी आ गई, तुम जाओ अब। वैसे जैसे आप हॉलीवुड में और बॉलीवुड में अपने दम पर रहती है ना, वैसे ही मैं हूँ बम पर, रहती हूँ अपने दम पर। वैसे प्रियंका जी मुझे एक बात बताइए, जोनस ब्रदर्स जो है ना, तो मैंने सुना है कि ब्रदर्स में मतलब एक कजन वजन कोई एक ब्रदर है जो कुंवारा है, राइट? एक भाई है, एक जिसका नाम है फ्रैंकी, लेकिन कुंवारा है और 18 साल का है। दैट्स ऑलराइट। कुंवारा है तो तुम्हारा क्या लेना देना उस बात से? मतलब अगर उसे कोई सुशील लड़के की अगर तलाश हो बाई चांस, तो मैं बम्पर जोनस बनने के लिए तैयार हूँ। तुम पर जोनस सूट करता है? अच्छा, मुझ पे जोनस सूट नहीं करता तो क्या सूट करता है? शर्मा मैं नो 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 कपू शर्मा, उस नजर से आप मुझे देखिए भी मत। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, मुझ पे नजर मत डालिए। आप अपनी सारी दौलत भी मेरे कदम पे रख देंगे ना तो फिर मैं शायद हाँ बोल दूं। लॉजिकल, यू नो, प्रैक्टिकल होना पड़ता है जीवन में। प्रैक्टिकलिटी जरूरी है, जरूरी है बहुत ज्यादा। प्रियंका जी, लेकिन वैसे मम्मी आपका रिश्ता ले जा सकती हैं मेरी सास तक, अगर आप चाहें। अगर आप मेरी एक सिफारिश अगर कर दें प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। पहले आईब्रो देख लो इसके। बीच में कोई गैप है ही नहीं, जुओं के लिए ब्रिज बना के रखा हुआ है। यहाँ से निकल कर यहाँ से निकल जाती है। निक जोनस के भाई के साथ शादी करेगी तो है? कपिल, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा क्लिनिक है जिसको हम स्टूडियो एस्थेटिक कहते हैं, वहां आके इनको एकदम फिट कर दूंगी। बस खत्म हो गया। ये है प्रियंका चोपड़ा की मम्मी। वाओ, फिल्म के साथ साथ स्टूडियो की भी प्रमोशन। प्लग पिक्चर प्लस स्टूडियो फ्री। मेरी तो सेटिंग हो गई है एक्चुअली ना, मुझे अब वापस मेरे अपने काम पे जाना होगा। लेकिन क्या है, क्या मतलब, जो सीजन हमारा ये शुरू हुआ है उसमें आज मेरा पहला दिन है। जी हाँ, मेरा पहला दिन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं बस चाहती थी कि आज मेरे पहले दिन पे आप मुझे जरा इनॉग्रेट कर दें प्लीज। एक तुमको इनॉग्रेट। जी जी, एक फीता काटेंगी आप ना तो मेरा इनॉग्रेशन हो जाएगा। ओह गुड गॉड, इफ यू डोंट माइंड। यस, बम्पर का ये फीता काट के आज आपने इस एपिसोड की बम्पर ओपनिंग की है। कपू शर्मा, आप सवाल वाल पूछे भी कॉन्फिडेंट, हाँ डरिएगा मत। ओके, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। हाँ मैं जा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं चलती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय बाय। तो प्रियंका के साथ ढेर सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म द स्काई इज पिंक से एक और खास मेहमान को। सो प्लीज वेलकम राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर एंड वेरी वर्सेटाइल एक्टर वन एंड ओनली मिस्टर फरहान अख्तर। जोरदार तालियां एक बार फरहान सर के लिए। फरहान भाई, आप
आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कमाल के फिट और हैंडसम लग रहे हैं. थैंक यू. तुम भी. आर यू सीरियस? नहीं, माय मॉम सेड ऑलवेज रिटर्न अ कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, आपको तो पता है फिल्म गली बॉय जो है वो इंडिया की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है और फरहान भाई उसके प्रोड्यूसर हैं. बहुत बहुत मुबारक. तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि गली बॉय जो है ऑस्कर लेके आए. बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू सर. प्लीज विराजमान हो जाइए. फरहान सर जी, आप और प्रियंका दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं. द स्काई इज पिंक. नॉर्मली सर आसमान नीला होता है, आपका वाला पिंक क्यों? नहीं, वो बात ऐसी है कि इस फिल्म में जो एक फैमिली ड्रामा है जी, उसमें एक बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें अदिति जो प्रियंका जी का किरदार है उस फिल्म में, वो अपने बेटे से बात कर रही है जो बहुत दूर है. वो लंदन में है, अदिति लंदन में है और बेटा उसका इंडिया में है जी. और उनकी बात चल रही है और वो बेटा उससे कहता है कि आज मुझे अपने स्कूल टीचर ने डांटा क्योंकि आर्ट क्लास में मैंने अपने स्काई का कलर पिंक बना दिया. अच्छा. तो उसे कहती है कि मतलब तुम्हारे स्काई का कलर वो हो सकता है जो तुम चाहो, किसी और को मत बताने दो कि तुम्हारे स्काई का कलर क्या होना चाहिए. Nice. तो इसीलिए टाइटल भी है द स्काई स्पिंग. मैंने तो फरहान सर आपको शुरू से नीले रंग से थोड़ी सी तो प्रॉब्लम थी. हाँ, थी क्योंकि आपका गाना था ना आसमान है नीला क्यों पानी गीला गीला. हाँ, तब से मैं स्काई स्पिंग की स्क्रिप्ट का इंतजार तब से मैं वेट कर. पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रियंका, आपके तो हम सब फैन हैं. फरहान सर आप जो फिल्म करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं बड़े ही मजेदार होती हैं सारी फिल्में. और जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है. फरहान भाई एक मैंने देखा आपकी ना काफी सारी फिल्में हैं ऐसी जो फ्रेंडशिप पे बेस्ड है और जो उनमें एक्टर काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन आपके दोस्त हैं जी. तो उनको आप पेमेंट दे देंगे दोस्ती का वास्ता देख के कि भाई दोस्ती है तो ऐसा? नहीं, सबके सामने तो कहता हूं कि वो फ्री में करते हैं. अरे पेमेंट से याद आया प्रियंका, आप तो पेमेंट से याद आया प्रियंका. नहीं, अरे मैं तुम्हें मैंने कभी नहीं पे किया है इधर आने के लिए. मेरी पूरी बात तो सुन लो, देवी है देवी, मुझे पता है आप बहुत फुल ऑफ एनर्जी आई हैं. मैं मेरा ये सवाल था कि आप हॉलीवुड में भी काम करती हैं, बॉलीवुड में भी काम करती हैं, तो आप टैक्स दोनों जगह भरती हैं कि उनको बोलती हैं इधर भर दिया, इनको बोलती हैं उधर भर दिया? खाली ये काश ऐसा होता यार, लेकिन काफी देर तक दोनों जगह भरना पड़ता. तुझे हमारे अकाउंट बुक से मतलब बहुत बहुत इंटरेस्ट है हमारे अकाउंटिंग में यार. क्यों सर? थोड़ा ऐसे ही बस. तू ये भी जा रहा है? अच्छा, ये भी सोच रहा है कौन सा टैक्स हेवन. मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था इनके आने से पहले. आई गॉट सो मेनी. रिश्ते को क्या बोलते हिंदी में? उनको पता नहीं होगा ना तू शादीशुदा है. अरे नहीं नहीं, एटीट्यूड ही बड़ा मेरे में. अच्छा, प्रियंका की शादी से पहले फरहान आप प्रियंका के साथ शूट कर रहे थे, अब शादी के बाद प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कुछ फर्क नजर आया प्रियंका में आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब वो एक्चुअली सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद इस फिल्म से कुछ लेना देना है नहीं. डॉन के टाइम से जब मैं उसे जानता हूँ 2006 से, तब से लेकर आज तक मुझे उनमें कोई ऐसा मेजर चेंज नजर नहीं आया है कि उनका कि स्टार्डम की वजह से जो उन्हें बहुत है सक्सेस. शी स्टेड जस्ट एग्जैक्टली ट्रू टू हर सेल्फ ऑलवेज. आची मामी तो मुझे जानती है कितने सालों से. आई प्लेड योर मदर इन वन फिल्म. दो फिल्में की हमने. हाँ, प्रियंका की मम्मी का रोल किया आपने? दूसरे के, लेकिन दादा मुनि के साथ काम किया है. मैंने मजाक में क्रेडिट दे यार, मैं इतने सालों से यहाँ करूँ. बड़ा मुश्किल होता है इतने साल तक इंडस्ट्री में सरवाइव करना और उसके बाद बड़े बड़े मंत्रियों को खा जाना. आपको पता है प्रियंका ने किसी इंटरव्यू में कहा कि निक जो है अब क्या करें अभी. हाँ, मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा निक से ऑब्सेस्ड. यस, हमारे हर दूसरा सवाल उसके बारे उसको होना चाहिए था. हम दोनों के बीच में बैठे हुए प्रमोशन भारत का दामाद है, हमारे देश का देश का दामाद.
देश का दामाद. करेक्ट करेक्ट. पहले जब हमने खबरें सुनी ना तो मैं सोचा ईश्वर अफवाह हो, लेकिन जब पक्का आ गया फिर तो मान ही गया, चलो अब तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं. तो ऐसे सुना था हमने कि प्रियंका कहती है कि निक को पंजाबी गाने बड़े पसंद है और बॉलीवुड के गाने भी सुनते हैं कभी कभी, वो क्योंकि रॉक स्टार है वो स्टेज पे जाने से पहले भी सुनते हैं. तो सीरियसली वो कौन कौन से पंजाबी गाने सुनते हैं? अभी उन्होंने एक अपनी स्टोरीज में वीडियो डाला था, जब मैं भी सो रही थी सुबह उठ के मैंने देखा कलंक का वो गाना ना फर्स्ट क्लास, तो उसके ऊपर वो डांस करते हुए स्टेज पे जा रहे थे. Wow, that's so cool, man. मुझे इतनी हंसी आई है वो in the morning. I said, इसको तो ये पूरा फिसल गया. Wow. I'm sure कि प्रियंका पंजाबी फैमिली से हैं तो सुनती होंगी गाने. कभी ऐसा हो इंग्लिश गाना बोलते बोलते बीच में उसके मुंह से निकल गया हो चक दे. वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हो जाएगा. मुझसे भी नहीं होता एक्चुअली. चक दे. करेक्ट. पंजाबी है तभी भी है. अच्छा, द स्काई इज पिंक में एक सीन है जिसमें फरहान प्रियंका से बात कर रहे हैं फोन पे, रोमांटिक बातें कर रहे हैं, और ऊपर से इनके पापा आ जाते हैं फिल्म में और ये फोन रख के सो जाते हैं. फरहान, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है स्कूल कॉलेज टाइम में आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात करें, जावेद साहब आ गए हैं ऊपर से, कभी रंगे हाथों पकड़े गए आप? नहीं, डैड ने तो कभी मुझे नहीं पकड़ा है, लेकिन मॉम ने कई बार फोन पर मुझे पकड़ा है, क्योंकि तब लैंडलाइन हुआ करते थे, सेल फोन वेल फोन तो था नहीं. राइट. तो एक आपने फोन नीचे उठाया, ऊपर से अगर मम्मी को फोन करना है उन्होंने उठा लिया. मतलब जो टीनेज रोमांस होता है उसमें बातें ज्यादा नहीं होती ना, साइलेंसेस बहुत होते हैं. अगर आप सोचेंगे ना, हाँ, तो और कभी सिर्फ फोन पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है. हाय. तो मम्मी भी परेशान है कि कुछ तो बोलो. अगर बिल बढ़ाना ही है तो बात तो करो. लेकिन तो एक दो बार मैं पकड़ा गया हूं उनसे. बिल्कुल सही कहा फरहान ने, एक्चुअली ऐसा होता है, बातें कम होती हूँ. अच्छा, रखने को लेके 5 मिनट के लिए तुम रखो पहले. माइसवे तुम रखो पहले, ये सब बातें होती रहती है. अभी तो एक्चुअली ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आजकल तो फेस टाइम पे बातें होती हैं. ओह माय गॉड. तो आप तुम पहले रखो, ऐसे फेस टू फेस बोलते हैं, पहले तो आप रख सकते थे फोन ना. हाँ. तुम बोलो, तुम बोलो. हाँ. नहीं नहीं, पहले तुम, पहले तुम. पता भी नहीं चला ये जो वीडियो कॉल आई ना सर, ये आपने बड़ा सही बर्बाद कर दिया. बर्बाद बेड़ा गर्क हो जिन्होंने कैमरा वाला फोन निकाला. पर मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा क्योंकि जैसे आम पिता हमारे जैसे पिता होते पकड़ के डांटते होंगे, जावेद साहब खुद इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े राइटर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने कभी आपको पकड़ा होगा शायद 2-4 लाइनें आपको दी होंगी कि बेटा ये बोलो, इससे इंप्रेस हो जाएगी लड़की शेरो शायरी में. नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो डांटने से पहले भी कहते हैं अर्ज किया है. और उसके बाद मुझे अपने डरे हुए हालत में कहना पड़ता है इरशाद. अभी जैसे फरहान ने माना कि वो बचपन में ऐसे फ्रेंड से बातें बातें करते थे, हर कोई करता है और हर तरह के लोग करते हैं, यही नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में बातें होती हैं. कभी कभी लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपनी सास की चुगली करती हैं, कभी कभी अपनी मम्मी को फोन करके, या ननद भाभी आपस में बातें करती, दो बहनें करती हैं. मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ आप लोग किस प्रकार की बातें करते हैं छुप छुप के फोन पे, आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं. जी मैडम. हेलो एवरीवन. नमस्कार मैम. माय नेम इज अमिता और मैं होशियारपुर पंजाब से आई हूँ. अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका. थैंक यू सर. ये 20 साल पहले जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी. अच्छा जी. तो हमारे घर में छुप छुप के बात करना, जब मिलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था. तो जब एंगेजमेंट हुई तो अगले ही दिन मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके बोलने लगे कि मैं तुम्हारे को मिलना चाहता हूँ. तो मैंने इनको बोला अभी कल तो मिले हम लोग, तो कहने लगे नहीं कल तो इतने लोग थे मजा नहीं आया. क्या साथ आए आपके हस्बैंड? ये बैठे. क्या आ रहा है मजेदार साहब? वाह, ये तो बड़े अरे रोमांटिक, ए बड़ा मड़को, बड़ा मजा आता है ऐसे किसी के. फिर क्या हुआ? सर मैंने इनको मना किया तो ये फोर्स करने लगे चलो ठीक है मिल नहीं सकते हैं तो पर मैं तो मैं देख तो सकता हूँ ना. अच्छा. तो मैंने कहा नहीं वो भी नहीं पॉसिबल. तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल जाती हो, मैं उस टाइम स्कूल टीचर थी. अच्छा. तो तुम मुझे इतना तो बता दो कि तुम बस कहाँ से पकड़ती हो. तो मैंने बस स्टॉपेज बता दिया. अगले दिन जब मैं स्कूल के लिए निकली स्टॉपेज के लिए, तो बाय चांस हम देखे हैं कि स्कूटर पे एक बंदा हमारे पास बिल्कुल धीरे धीरे चला आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं. अच्छा. तो हम उसको देख रहे हैं, वो हमारे को देख और स्माइल दे जा रहे हैं. हमने कहा बड़े बेवकूफ है, कौन है ये बंदा? अरे हमारी एंगेजमेंट हुई और आज हमारे को कोई बंदा छेड़ रहा है. हाँ. और ये बंदा हमारे पास आके बोलता
हेलो हाय, और हम इतना डर गए, हमने कहा बड़ा बेवकूफ है, छेड़ के चला गया हमारे को. बाद में हम थोड़े से आगे गए तो मैंने कहा यारे ये बंदा तो कहीं देखा देखा लग रहा है. बाद में रियलाइज हुआ रही ये तो वही है जिसके साथ हमारी कल एंगेजमेंट हुई थी. अरे आप रोमांटिक किससे याद दिला रही थी तो उस समय भाई साहब ने इतने रोमांटिक चीजें की. अब मैं देख रहा था इनके रिएक्शन में ऐसे बैठे हुए कि हाँ उस वक्त हुई थी ये चीजें. थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच. और कोई हमारे दोस्त जो जी भाई साहब. मेरा नाम मोहम्मद तौसीर रजा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जी. बहुत बहुत स्वागत है आपका. मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और प्रॉब्लम तो लड़की की हुई ना फिर. अच्छा तो फिर अच्छा जी चुप चुप के बातें करता था. हाँ. मैं एक बार रजाई ओढ़ के बात कर रहा था. हाँ. रजाई तो में अकेले थे आप? फोन पे बात कर रहे थे? हाँ, अकेले बार फोन से बात कर रहा था. तो एक बार मैं कह रहा था उससे कि मैं मर जाऊंगा, आपसे शादी करूंगा. ये बात मेरे पापा ने सुन ली. अच्छा. तो मुझे घर से निकाल दिया, मुझे बहुत मारा. मैं मुंबई आ गया, वहाँ पे रिक्शा चला रहा हूँ. मैं शादी उसी लड़की से करूँगा चाहे मुझे मजदूरी भी करना पड़े. तो ये बात कितनी पुरानी जो आपने सुनाई? 3 साल हो गए. 3 साल हो गए. और उस लड़की से इन टच हैं अभी भी आप? हाँ, बात होती है अभी. अच्छा, बात होती है. तो पापा ने उसी वक्त रजाई से निकाल दिया? उस ऐसा उस तो आपने बोला नहीं पापा बड़ी मुश्किल से रजाई गर्म की, थोड़ी देर सोने. फिर सर आप कह दीजिए, शायद सुन के आपका कपिल शो देख के शायद वो कह दें. मैं कहूँ मेरी इतनी चलती तो हमारे देश की लड़कियां बाहर शादी क्यों करती? ऐसे बात कर रहा हूँ. कह तो दो. हाँ जी मैडम, अगर आप भी इनसे प्यार करती तो अपना अपना देख लेना, मेरा कोई लेना देना नहीं बीच में. अगर आपका प्यार सच्चा है तो जरूर मिलेगी. थैंक यू सर, थैंक यू सर. शुक्रिया तौफीक साहब, धन्यवाद.